सो हेलो माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं फ्रेंड्स आपके लिए लेके आया हूँ अमेज़ की वीडियो। तो हम अमेज़ के सारे वेरिएंट्स चेक करेंगे, मतलब जो जो यहाँ पे अवेलेबल है, एस वेरिएंट, वी वेरिएंट एंड वी एक्स वेरिएंट। सो मैं आपको कम्प्लीटली आउटलुक दूंगा कि वी एक्स में क्या है, वी में क्या है और एस में क्या है। सो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे तीनों वेरिएंट्स का पूरा आउटलुक बताऊंगा कि इंटीरियर कैसा है, एक्सटीरियर क्या है और क्या क्या फीचर्स डिफरेंसेस हैं। और मैं टेस्ट ड्राइव भी लूंगा यहाँ पे और आपको बताऊंगा कि हाउ द इंजन रिस्पॉन्स। सो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विद द वी एक्स मॉडल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों ये है होंडा अमेज़ का वी एक्स मॉडल। ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। और अगर मैं इसके लुक्स की बात करूँ, इसके फीचर्स की बात करूँ, तो वो मैं आपको अभी डिटेल में समझाने वाला हूँ। सो सबसे पहले फ्रेंड्स इसके लुक्स की बात करूँगा। ये सेकंड जनरेशन अमेज़ है जो पूरी तरह रीवैम्प्ड, रीडिज़ाइन कर दी गई है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मतलब नए प्लेटफॉर्म पर बनी है, फ्रंट बैक सब कुछ, एवरीथिंग इज़ न्यू इन दिस कार। सो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके फ्रंट की बात करूँ, द फ्रंट लुक्स वेरी स्टाइलिश टू मी। ये एक्चुअली में होंडा एकॉर्ड इंस्पायर्ड है। आई रियली लाइक द यू नो बुल्स टाइप ग्रिल। सो मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है। ये आपको होंडा के और भी मॉडल्स में यही सेम थीम देखने को मिलेगी। ये कह सकते हो होंडा की मेन होम ग्रिल टाइप्स है। उसके बाद अगर मैं इसके डिज़ाइन की बात करूँ एंड द वे द बम्पर आर यू नो फ्लैट डाउन नीचे को किए गए, वेरी काफ़ी अच्छी है। ध्यान से देखेंगे लाइट्स एंड द बम्पर जस्ट ब्लजेज आउट और इट गोज ऑल द वे टू द डाउन। आई रियली लाइक द फ्रंट डिज़ाइन ऑफ द कार। अगर मैं फीचर्स की बात करूँ, यू गेट अ क्रोम फिनिश्ड होम ग्रिल नीचे ब्लैक पैटर्न में। यू गेट DRLs, हेडलाइट्स आपको नॉर्मल मिलेंगे, हेलोजन बल्ब, प्रोजेक्टर हेडलाइट्स अवेलेबल नहीं है किसी भी वेरियंट में। नीचे आपको फॉग लाइट्स मिलेंगे एंड दिस क्रोम स्ट्रिप इज़ अ पार्ट ऑफ एक्सेसरी। आई रियली लाइक द लाइन्स ऑन द हुड, जैसे इसको डिज़ाइन किया गया, दीज लाइन्स कम ऑल द वे डाउन और यहाँ से सीधा यहाँ तक जाती है। इट्स गिव यू लाइक अ यू शेप पैटर्न एंड इट लुक्स अमेजिंग। एंड ये हाईलाइटेड भी आपको इजिली यू कैन सो दैट लाइन्स। तो मतलब कि ओवरऑल डिज़ाइन, अगर मैं फ्रंट डिज़ाइन की बात करूँ, तो लास्ट ईयर डिज़ाइन के साथ ये काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लगती है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर अमेज़। उसके बाद इफ़ आई गो टू द साइड ऑफ द कार, यू विल सी न्यूली डिज़ाइंड अलॉय व्हील्स। ये आपको यहाँ पे 15 इंचज़ का रिम साइज़ मिलेगा 175/65 के टायर सेक्शन में।
यू विल गेट टर्न इंडिकेटर्स ऑन द साइड मिरर्स। अगर मैं फ्रेंड्स इसके साइड प्रोफाइल की बात करूँ तो साइड डिज़ाइन को प्लेन रखा गया है, ज़्यादा आपको कर्वी लाइंस नहीं दिखेंगे, प्लेन लुक दिया गया विच लुक्स अमेजिंग। सो फ्रेंड्स अगर मैं इसके रियर की बात करूँ, रियर कम्प्लीटली रीडिज़ाइन किया गया है, चाहे इसका टेल सेक्शन हो या बूट हो या रियर बम्पर हो, एवरी थिंग इज़ रीडिज़ाइन कम्प्लीटली। एंड अगर इसके मैं रियर के यू नो रियर लुक की बात करूँ तो रियर लुक सिंपल प्लेन आउट है। मैं आपको साइड से दिखाता हूँ कि सीधा ऐसे फ्लैट डाउन है नीचे को, कोई ज़्यादा राउंडिंग एजेस नहीं है। दो द डिज़ाइन लुक्स सिंपल टू मी, कुछ ज़्यादा फ्लैशी नहीं है। आई रियली लाइक द टेल सेक्शन ऑफ द कार, बम्पर वगैरह मुझे ठीक लगा लुक, बट आई लाइक द फ्रंट एंड ऑफ द कार मोर, मुझे आगे से गाड़ी ज़्यादा पसंद आई है इफ़ आई कंपेयर इट विद द बैक डिज़ाइन ऑफ द कार। सो दो द फीचर यू गेट इन दिस कार इज़ द रियर पार्किंग सेंसर एंड विद कैमरा। ये टॉप एंड वेरियंट है, इसमें आपको कैमरा और पार्किंग सेंसर मिलेंगे। एंड यू विल गेट होंडा लोगो हेयर, विच वेरियंट आर यू डिजाइजिंग, आपकी बैचिंग यहाँ राइट साइड पे होगी एंड अमेज बैचिंग इज देयर। यू विल गेट डिफोगर एंड यू विल गेट शार्क फिन डिज़ाइन एंटीना एंड द हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प। सो फ्रेंड्स अब हम इस गाड़ी का बूट स्पेस चेक करते हैं। दिस इज़ द वी मॉडल, वी एक्स वी मॉडल में आपको स्मार्ट की मिलेगी, यहाँ पे आपको प्रेस ऑफ बटन होल्ड करना एंड योर बूट विल ओपन। सो फ्रेंड्स अगर मैं बूट स्पेस की बात करूँ, यू विल गेट 425 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस, जो डिज़ायर से ज़्यादा है। अगर मैं इसकी ओवरऑल डेप्थ की बात करूँ तो काफ़ी नीचे को है, सो यू विल यू नो कैरी अ लॉट ऑफ लगेज। उसके बाद अगर मैं इसके नीचे देखूँ तो यू विल गेट अ स्पेयर टायर व्हील एंड आई थिंक इट वॉन्ट कम विद फिफ्थ अलॉय व्हील, या इट्स नॉर्मल व्हील, आपको फिफ्थ अलॉय व्हील नहीं मिलेगा। बट अगर मैं पैकिंग की बात करूँ यार पीछे रूफ की, तो इट्स वेरी बैड, वेरी पुअर, आई डोंट लाइक इट। और यहाँ पे भी आपको कोई कवर नहीं मिलेगा विच कवर योर बूट। सो कॉस्ट कटिंग भी आपको इस गाड़ी में दिखेगी, बिकॉज द कार का जो प्राइस है वो काफ़ी कंपेटिटिव रखा गया है। सो दैट्स इट, सो यू विल गेट अ गुड एंड डिसेंट अमाउंट ऑफ बूट स्पेस। उसके बाद अगर फ्रेंड्स मैं बात करूँ इसके क्रोम पैनल, जिससे पार्ट ऑफ एसेसी, इट वॉन्ट कम इन द टॉप वेरियंट, सो डोंट कन्फ्यूज यूर सेल्फ कि ये टॉप वेरियंट का पार्ट है। नाउ वी गेट इनसाइड द कार एंड देखते हैं कि गाड़ी के इंटीरियर में आपको क्या क्या चेंजेस मिलेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं बात करूँगा, इसमें आपको स्मार्ट की फंक्शन मिलेगा एंड द की लुक्स अमेजिंग, दैट ग्लोसी ब्लैक फिनिश है, उसके अंदर आपको होंडा का बैज मिलेगा। ये छोटे से बटन से आप कीज़ को बाहर निकाल सकते हैं, बट हमें ज़रूरत नहीं है। लॉक अनलॉक और होल्ड करोगे तो यू विल ओपन द बूट। सो कीज़ मेरे हाथ में है, मुझे कीज़ पॉकेट में डालनी चाहिए एंड जस्ट ओपन द कार, क्योंकि दिस इज़ अ स्मार्ट की फंक्शन। एंड सबसे पहले फ्रेंड्स अगर मैं गाड़ी के अंदर बैठूँ तो इन दिस VX मॉडल यू विल गेट हाइट एडजस्टेबल सीट्स, यू विल गेट अ डिसेंट अमाउंट यू नो बॉटल होल्डर्स, आपकी नॉर्मल 1 लीटर वाटर बॉटल आ जाएगी। उसके बाद अगर मैं डोर पैनल्स की बात करूँ, यू वॉन्ट गेट एनी सॉफ्ट टच मटीरियल हेयर, ये प्लास्टिक मटीरियल है पूरा। ऑल द फोर यू नो पावर कंट्रोल बटन्स आर हेयर, लॉक अनलॉक, नॉर्मल विंडोज कंट्रोल, और आपके साइड मिरर्स की कंट्रोलिंग यही से, इट्स एन इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एज वेल एज फोल्डेबल साइड मिरर्स। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, यू विल गेट ब्लैक फिनिश हेयर एंड क्रोम फिनिश की आपको यू नो सिल्वर फिनिश में आपको साइड हैंडल मिलेंगे। उसके अलावा फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ इसके डिज़ाइन की, यू वॉन्ट गेट लेदर अप स्टेयरिंग, लेदर सीट्स आपको नहीं मिलेंगी किसी वेरियंट्स में। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, आपको क्रूज कंट्रोल का फीचर मिलेगा, वे यू कैन सेट योर हाई स्पीड, किस स्पीड पे आपको चलाना है। उसके बाद यू कनेक्ट योर वॉइस कंट्रोल फंक्शंस फ्रॉम हेयर, यहाँ पे आप अपना फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं, डिसकनेक्ट कर सकते हैं, चेंज द रेडियो चैनल, मीडिया, वाट एवर, वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हो। एंड अब मैं इसका इग्निशन ऑन करता हूँ और क्विकली देखते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को। एंड सेम टू टू वाला साउंड आपको सुनाई देगा ही देगा यहाँ पे। मीटर कंसोल की बात करूँ, राइट साइड आपको स्पीडोमीटर मिलेगा, लेफ्ट साइड टैकोमीटर मिलेगा। अगर मैं इसके बीच में TFT स्क्रीन की बात करूँ, यहाँ पे आपको एवरेज, रेंज, फ्यूल टू एम्प्टी सब मिलेगा। दो ट्रिप मीटर मिलेगा, आउटसाइड टेम्परेचर मिलेगा, क्लॉक मिलेगी, बीच में ही फ्यूल गेज मिलेगी। और एक सिंपल नीट एंड क्लीन लेआउट है, ज़्यादा मैं वैकी डिज़ाइन नहीं कहूँगा। उसके बाद आपको यहाँ पे टच स्क्रीन मिलेगी, उसमें आपको मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे आपको सैटेलाइट नेव, सैट नेव मिलेगा, नेविगेशन मिलेगा, इट कम्स विद एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले एज वेल। रेडियो, ऑडियो, वीडियो, फोटो, सारे फंक्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे, वे यू कैन कनेक्ट योर फोन
ठीक है, आप अपने USB लगाइए फ़ोन को, अपने एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो के साथ कनेक्ट कर सकते हो। गुड म्यूज़िक सिस्टम, टच सेंसिटिविटी भी मेरे को ठीक लगी है। मतलब अभी यहाँ पे इधर इनका वो लगा हुआ है एंड आई सिंपली शो यू हाउ इट लुक्स बट आई वॉन्ट रिमूव इट। सो दिस इज़ हाउ द यू नो इंस्ट्रूमेंट स्मार्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम लुक्स जो होंडा का है एंड इट्स लुक गुड। काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन, सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे यू नो। उसके नीचे आपको मिलेगा ऑटोमेटिक एसी, ऑटो एसी फीचर मिलेगा। यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स मिलेगा बट नो कूल्ड ग्लव बॉक्स इन एनी ऑफ द वेरिएंट। यहाँ पे दो लाइनें आपको स्ट्रेच की हुई है वेयर यू कैन यू नो सिंपली आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह सारा शो करेगा। सेम कुछ ज़्यादा है नहीं बट द स्पेस इन दिस कार लुक्स अमेजिंग। काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्पेस है, बहुत ही ज़्यादा खुली कार है। उसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे आपको हाइट एडजस्टेबल सीट भी मिलेगी एंड आई रियली लाइक दैट बटन जो बूट ओपनर का है और फ्यूल का दोनों इकट्ठे नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम इकट्ठे होते हैं और लोग मोस्ट ऑफ टाइम भूल जाते हैं कौन सा राइट पे है कौन सा लेफ्ट में है और वो डोर ओपन करके अंधेरे में भी देखते हैं कि कौन सा बटन गलत सा लीवर ना पुल हो जाए। बट यहाँ पे आपको कोई टेंशन नहीं है, डोर बंद है, अंधेरा आपको पता ही है बूट का और यहाँ पे आपका फ्यूल का है। सो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें लगी। अगर ये पॉइंट भी यहाँ से यहाँ पे नीटली क्लीनली पैक्ड होता तो और अच्छा होता। सो अब हम इसकी रियर सीट में चलते हैं और देखते हैं हाउ इज़ द कम्फर्ट इन द रियर सीट। अगर मैं इसके लेग रूम की बात करूँ, काफ़ी ज़्यादा लेग रूम है। सीट मैंने बिल्कुल पीछे पीछे की हुई है, मेरी हाइट के हिसाब से नहीं है। सो लेग रूम अमेजिंग। पावर सॉकेट यहाँ पे आपको मिलेगा और ऑल फोर विंडोज़ पे आपको स्पीकर मिलेंगे, ठीक है जी। उसके बाद फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ, इसके पीछे हेड रेस्ट आपको एडजस्टेबल नहीं मिलेगा, किसी भी वेरिएंट में नहीं एडजस्टेबल हेड रेस्ट, में फिक्स्ड हेड रेस्ट है। फ्रंट के आपको एडजस्टेबल मिलेंगे बट यहाँ आपको एडजस्टेबल नहीं मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे आर्म रेस्ट मिलेगा विथ टू कप होल्डर्स बट आई हेट द पोजिशन ऑफ द आर्म रेस्ट, इज़ टू लो। यहाँ पे आर्म रेस्ट टच कर रहा है सीट को, थोड़ा सा यहाँ पे होता तो इट वुड बी अ गुड डील फॉर अस। सो दोस्तों अगर मैं इसके हेडरूम की बात करूँ तो हेडरूम इस गाड़ी में अनफॉर्चुनेटली मुझे कम लगा। मेरे हेयर्स ऊपर टच कर रहे हैं रूफ़ को। अगर मैं पूरा पीछे होकर बैठता हूँ और बिल्कुल सीधा करता हूँ अपना सीट तो यू कैन क्लियरली सी कि मेरे हेयर्स बिल्कुल टच कर रहे हैं ऊपर रूफ़ को। उसके बाद आपको जो हेडरेस्ट है वो भी एडजस्टेबल नहीं मिलेगा, इट्स फिक्स्ड। अगर आप इसको एडजस्टेबल करा भी लेगो आफ्टर मार्केट तो वो आपके ऊपर पूरा ऐसे बीच में आपकी जो चेसी है ऊपर रूफ़ को टच करेगा, सो वो भी आप नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा एडजस्टेबल हेडरेस्ट विच अ बिट ऑफ अ लेट डाउन। फ्रंट सीट्स में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेगा बट रियर में नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको आईसो फिक्स के बटन दिए गए हैं, अगर आप क्लियरली देख सकते हैं तो, वेयर यू कैन कनेक्ट योर चाइल्ड सीट्स। रियर में सीट बेल्ट्स भी मिलेंगी। ओवरऑल द कैबिन लुक्स वेरी स्पेशियस, काफ़ी प्रीमियम लगता है, एयरी फील देता है। बट एक ही लेट डाउन है कि पीछे का हेडरेस्ट काफ़ी कम है। आई एम 5'10" तो मेरे से बड़े या 5'10" के भी यहाँ पे क्रैम्प फील करेंगे। 6 footers के लिए ये गाड़ी बड़ी दिक्कत देने वाली है पीछे का हेडरूम। फ्रंट सीट्स में तो आप कंफर्टेबल होंगे बट नॉट एट द बैक। सो मुझे यही एक पॉइंट यहाँ पे बेकार सा लगा इस गाड़ी में। सो दोस्तों अब हम डीजल इंजन को चेक करेंगे। सो दिस इज़ द डीजल इंजन, अर्थ ड्रीम टेक्नोलॉजी IDTech होंडा का जो 1.5 liter का इंजन है जो आपको बाकी होंडा की गाड़ियों में दिखता है, होंडा सिटी में या BRV WRV सभी वही सेम इंजन आपको यहाँ पे मिलेगा। सो कंपनी का कहना है कि इन्होंने इस इंजन को और ट्यून्ड किया और रिफाइंड किया। सो जो पहले में ग्राउल्स आते थे ज़्यादा, वो अभी इस इंजन में नहीं आएंगे। तो वो अब हमें ड्राइव करके पता चलेगा कि हाउ द इंजन रिएक्ट या प्रीवियस जनरेशन में इसे कितना रिफाइंड है, वो हमें ड्राइव करके पता चलेगा। और यहाँ पर आपको इंजन सीलिंग भी मिलेगी गुड पार्ट। सो जो वाइब्रेशन नॉइज़ होगी वो ज़्यादा अंदर फिल्टर नहीं होगी, ये सारी आपको वही इंजन नॉइज़ की वाइब्रेशन को कम करने के लिए ये सारा चीज़ों को लगाया गया है गाड़ी में। सो फ्रेंड्स आई एम डन शूटिंग होंडा अमेज टॉप वेरिएंट और मैं इसके अगले दो वेरिएंट वी वेरिएंट और एस वेरिएंट को भी शूट करूँगा। और ये तीनों वेरिएंट्स की वीडियो मेरे चैनल पे बहुत जल्द कुछ दिनों में तीनों की तीनों में अपलोड कर दूँगा। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो जो मैं डालूंगा आपको सारे वीडियो पसंद आएंगे। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्लिक द बेल आइकन बटन। सो फ्रेंड्स कोई भी क्वेश्चन आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हो। तो जाते जाते मैं ये कहूँगा ड्राइव सेफ, से हैप्पी, एंजॉय योर लाइफ। लॉस्ट ऑफ एंड साइनिंग ऑफ। जय बजरंग बली।